नमो वरहंतानम नमो सिद्धानम नमो वार्यानम नमो वज्जायानम नमो लुहि सवसाऊलम शुद्धात्मानमलेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्धार्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम प्रगटे निजनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब जाता लक्के नमो समय सार से भूप परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत मय शुद्धता है प्रकाशन के निमित्त वन्नु देव प्रबुद्ध पुण्य में उपाधियपना छूटना है। पुण्य जलाने का मतलब पुण्य में उपाधियपना, पुण्य के उदय जनित भोग संयोगों में सुख बुद्धि, अंदर से अच्छा लगना, उसमें अपनी कुछ उन्नति मानना। ऐसी पैसा बढ़ गया तो हम बढ़ गए, ऐसी क्षेत्र बढ़ गया तो हम बढ़ गए, विपरीत मान्यता वो भी गई, ये दोनों एक ही है। लौकिक जीवों में पैसा बढ़ गया तो उनको लगता है हम कुछ बड़े आदमी हो गए, हैं? जबकि होते नहीं है। पैसा बढ़ने से नहीं, उदारता बढ़े, सोच बड़ा हो। अकेला पैसा बढ़ने से क्या होता, सोच बड़ा हो। ये पुण्य उदय की सामग्री पुण्य में लगाने लायक है, जो ही व्यसनों में या प्रदर्शनों में बर्बाद करने लायक नहीं है। सोच बदलना चाहिए। ये अध्रुव है, विनाशी के आज है कल नहीं है, समय रहते इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। इसीलिए पैसा बढ़ने से नहीं बड़े हो गए, कैसे बड़े हुए, सोच बड़ी होने से। बड़ा आदमी कौन जो सबको साथ लेकर के चले। लौकिक दृष्टि की चर्चाएं कर रहे हैं हम, नीति प्रधान जो सबको साथ लेकर के चले। सम्मानीय कौन है जो सबका सम्मान का ध्यान रखे, सबके सम्मान का ध्यान रखे। सबको सम्मान देंगे तो स्वयं सम्माननीय हो ही जाएंगे, सब निंदा करेंगे तो निंदनीय हो जाएंगे, सम्मान करेंगे सम्माननीय हो जाएंगे। सबको साथ लेकर के चलो, एकला चलो रे वो भी एक बात है, वो अलग विवक्षा है। सबको साथ लेकर के चलो, लेकिन सब साथ में है तो उसे हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हमारे साथ इतने लोग हैं, हमारी पार्टी बड़ी है, अरे बड़ी छोटी छोड़ो इस बात को। तुम क्या समझते हो, हमारे साथ पूरा गांव है, पूरा देश हमारे साथ है। अरे कोई तुम्हारे साथ नहीं, साथी सगा न कोई। धान के प्रसंग में मुन्नराज ने लिखा, पद्मप्रभ मलधारी देव ने, एक कौवा को जली खिचड़ी मिल जाती है तो वो भी काँव काँव करके सबको बुलाता है। अब आप उसका अर्थ इतना करते, पैसा वालों को सबको पैसा बांटना चाहिए, लेकिन ज्ञान भी बांटना चाहिए, ये भी सोचो ना। दर्शन विशुद्धि का अंतिम रूप मार्ग प्रभाव न हो, मज्जंत निर्भर ममी संवेव लोका। हम तो हैं, ठीक है, हम तो करेंगे ही वो, लेकिन मज्जंत निर्भर ममी संवेव लोका,
हे जगत के जीवो सुनो, इस उपदेश को अनसुना मत करो। वो आत्मन सुनो ये भी है और मज्जन सुनिर्भरमि सम्मेव लोका ताय सुनो भाई मन तेरान। कोई भोजन की सामग्री मिले आप अपन अकेले खा ले, हमें का मतलब गलत है कि नहीं? ऐसे ही सुनने का अवसर मिले तो सब लोग सुनो भाई, सब सुनो। ऐसा नहीं कि हमने अपने सुन लिया बस हमें का लेने है, हमने अपने पढ़ लिया सबने हमें का लेने है। प्रदर्शन करने की बात नहीं है, कोई उत्तम बात पढ़ो, उत्तम चर्चा पढ़ो या सुनो तो सबको भैया अच्छा समय ये आया स्वाध्याय में हमारे, तुम ही देखना। सहधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, टोडरमल जी ने रेस्पून चिट्ठी में कहा सहधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, कोई चर्चा नहीं है। यथायोग्य भैयावृत्ति भी है, विनय भी है, सारी भूमिका में होने वाली परिणति जैसी की तैसी है, लेकिन मुख्य रूप किसको किया? साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए निष्प्रय भाव से, जी का जाने जी का समझे न, कभी हीन भाव मत रखो। जो दूसरों को हीन समझता है वह स्वयं ही हीन होता है। दृष्टांत कैसा दिया समसार नाटक में, पहाड़ पर चढ़े होने के कारण, पर्वत पर चढ़े होने के कारण जो जमीन पर खड़े लोगों को छोटा छोटा दिखता है वह उन सब की निगाह में छोटा होता है, जमीन वालों को वो छोटा दिखता है, जबकि छोटा कोई नहीं है उन दोनों में, ऊपर वाला भी उतना ही बड़ा है और नीचे वाला भी उतना ही बड़ा है। ये चर्चा बार बार कर रहे हम क्योंकि ये दोष मुख्य रूप से है, क्या जिससे तुम अपने को अधिक समझ रहे हो वो तुम्हारा ही नहीं है, हमारा छयो समझा दे, छयो समझ ही हम, हमारा छयो सम नहीं है, ये छयो सम भाव हमारा नहीं है। ये सोचो हमारी शैली अच्छी है, शैली हमारी नहीं है, हम पर ज्यादा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ही हमारी नहीं है, हम ऊंचे कुल के, अरे कुल ही हमारा नहीं है, हमारा पद ऊंचा है, ये पद ही हमारा नहीं है। कह रचो पर पद में नतीरो पद यह क्यों सु, का रचो पर धन में न तेरो धन यह क्यों दुखता है। हमारा चश्मा अच्छा है, चश्मा ही हमारा नहीं है, जो भी तुम्हें लगता हो, हमारा कमरा अच्छा है, कमरा ही हमारा नहीं है। उस शैली में ये विचार करना जो शैली पहले कही थी कि आज बहुत गर्मी है, अरे गर्मी मेरे में नहीं है, ये सोच विचार करना। ऐसे ही हमारा कमरा अच्छा है, कमरा ही हमारा नहीं है, हमारे हाथ अच्छे हैं, हाथ ही हमारे नहीं है, हम अच्छी रोटी बना लेते हैं, अहंकार मिथ्या है, तुम रोटी नहीं बनाते, मैं करता ही नहीं हूं, अच्छे और बुरे की क्या बात है, और नहीं बना सकते बनाने में। आपको कहा था रोटी खाने वाला जैसा हो, उसका भाग्य जैसा हो, उसके अनुसार रोटी बनती है, जग जाती है, खूब कोशिश करें नहीं बनती, और अपना परिणाम बहुत अच्छा होता हो। हम बड़े दाता रहे, अरे दाता रहे कि ज्ञाता है, जो दान दे रहे हैं वो हमारा ही नहीं है, जग को दे दी हम अपनी निधियां थोड़ी, जग को दे दी अपनी निधियां नहीं, जग को दे दी जग की निधियां। भावेत भेद विज्ञानम मिदमच्छिन्न धारया
तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। निरंतर इस वेद ज्ञान की धारा को भाव। इतनी पढ़ाई बहुत है, इतनी आजीविका बहुत है, अपनी दाल रोटी चल रही है आराम से। नीति में पढ़ा है तुमने भैया, साई एता दीजिए जामी कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा, या बस इतना ही बहुत है, क्या करेंगे यार। है तो उसका उपयोग सोचो, क्या करें इसका, क्या करें, क्यों अध्रुव है, छूटेगा समय रहते छूट जाएगा। त्रिलोक की सबकी संपर्क सामग्री हमारे पास ही आ जाए, सबरी पद प्रतिष्ठा हमें ही मिल जाए, सबरा मान सम्मान हमारे ही मिल जाए, ये मत सोचो। अरे किसान भूमि से जो अपेक्षा रखता है वो बोता है, अगर उसको गेहूं की जरूरत है तो गेहूं बोएगा, चना की जरूरत है तो चना बोएगा, जो चाहता है वो बोएगा। आप जो चाहते हो वो देना सीखो, हमें बात्सल्य नहीं मिलता। अरे हम बात्सल्य देते नहीं किसी को, ये भूल हमारी है। बात्सल्य देंगे तो बात्सल्य मिलेगा, बात्सल्य नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भैया, कहां से वापस आए। जब बीज नहीं बोया खेत में क्या होगा। पूर्व काल में हमने दान नहीं दिया तो आज खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, आजीविका नहीं है, क्यों नहीं है, सरकार की व्यवस्था खराब है इसलिए। ये बड़े आदमियों की व्यवस्था खराब है, समाज की व्यवस्था खराब, अरे तेरी सोच खराब है, तू ये सोचता ही नहीं, मेरी सोच खराब है। अकेली बोनी ही समय पर नहीं, सारे कार्य समय पर करना चाहिए। किसान जैसे बोनी समय पर कर लेता है ना, लेकिन अकेली बोनी समय पर करता है, अरे सिंचाई भी समय पर करता है। अब पानी देने ने कम, अब नहीं, अब पानी देने, सिंचाई भी समय पर करता है, निदाई भी समय पर करता है। जब इतनी इतनी बड़ी घास खड़ी हो जाए पूरे में, अब निकालो, अब का निकालो, सोचो जमीन तो बेकार हो गई, शक्ति उसमें घास में चली गई। अकेली बोनी ही समय पर नहीं करता, सिंचाई भी समय पर करता है, निदाई भी समय पर करता है, और जब समय देखभाली का देखने का तो देखभाली समय पर करता है। अब क्या कर रहे, क्या आप देखभाल कर रहे, क्या देखभाल कर रहे, चिड़ी कबूतर ना खा जाए हैं, अरे खा के जाओ भर भर पेट हैं, खा तो जाओ, पानी और रख दिया उन्हें और ऐसे और बैठ गए खाओ। अरे कब पागल हो गए, कि पागल तुम हो गए जो उसको अपना मान रहे हो, तुम्हारा क्या अधिकार है, खा तो जाओ। चिंगोरी चिड़िया हैं भर भर पेट हैं, राम की चिड़िया राम को खेत, हमारे कहा जाऊंगा। अरे उनके कहीं खेती अलग हो रही है तुम, और खेती में उनके लिए भी हुआ है व्यवस्था, गाय में तुम्हारा गाय के हैं, तुम्हारे लिए भी दूध है उसमें, उतना बछड़ा नहीं पी सकता, अगर पूरा बछड़ा दूध पी जाएगा तो बीमार हो जाएगा वो, और उसके बदले में आप घास खिलाओगे उसको, उसकी देखभाल करोगे, और अगर तुम दूध को अवच के करके छोड़ दोगे तो पशुओं को कटवाओगे और क्या करोगे। अवच्छ इसलिए नहीं है, एक शक्य होता है एक अशक्य होता है, गाय का दूध नहीं निकालोगे तो रहेगी परेशान होगी, चिल्लाएगी वो दूध निकालो मतलब
मुंह से बोल नहीं रही लेकिन कह रही दूध निकालो। और उसके लिए तो उसके आप निगरानी करोगे, देखभाल करोगे, सर्दी गर्मी बचाव करोगे, सब करोगे। जब उससे कोई काम नहीं है तो आप क्या करोगे? हाँ, प्रकृति की तो ऐसी व्यवस्था है, मिलकर के काम करो और मिलकर के खाओ पियो, ये और जीना दो। ये प्रकृति का सूत्र है, भगवान महावीर का सिद्धांत ऐसा नहीं है, ये प्रकृति का सिद्धांत है, जियो और जीने दो। अच्छा, कहीं भी अकेले आपके लिए होता हो तो बता दो, गेहूं आपके लिए, भूसा पशु के लिए, फल आपके लिए, छिलका पशु के लिए, बोलो आप, तेल आपके लिए। जब प्रकृति की स्वयं की व्यवस्था है, बता दो, दो का विभाग बंटवारा वैसे ही है। आप मानसिक शक्ति वाले हो तो मानसिक काम करो, मानसिक खाओ, आप रस पी लो छिलका वो खाएंगे। अब आप उसको नाली में डाल दो या सड़ा दो या राख में मिला दो, ये आपकी भूल है। आप उनका हिस्सा, तेल आपके लिए, खली उनके लिए। कहीं भी आप बताओ, अकेले आदमी के लिए होता हो कुछ, लेकिन ये स्वार्थ बुद्धि ऐसी है कि हम बस हम। एक गृह स्वामी नहीं, एक बाहर की व्यवस्था के लिए। अब तुम दोनों के दोनों बाहर निकल जाओ तो घर को संभाले हो, बच्चे कौन संभालेगा इनको? और दोनों घर संभालोगे तो बाहर कौन जाएगा? मैंने ये बनी बनाई व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था है, इसमें कोई कुछ परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। और अपनी बुद्धि से अगर परिवर्तन की कोशिश करोगे तो काम बिगड़ेगा। घर में बच्चे भी चाहिए, बूढ़ा भी चाहिए और युवा भी चाहिए। दौड़ दौड़ करके काम बूढ़े थोड़ी कर पाएंगे, और सोच समझ का काम बच्चे थोड़ी कर पाएंगे। सोच समझ का काम सोचें समझे बच्चे क्या कर पाएंगे बेचारे? उनसे तो कहे उठा लाएंगे, रखा रखेंगे। लेकिन दौड़ दौड़ के काम करने का काम आपका नहीं, बच्चों का। दौड़ने दो उनको। भगवान वीतराग की वाणी फिरती है, उसके बाद आचार्यों का उपदेश होता है, उसके बाद गृहस्थ विद्वान जो प्रतिमाधारी वगैरह और लोग होते उनका एक व्यवस्थित कार्यक्रम होता है। पाठशाला कौन चलाएगा? दैनिक स्वाध्याय कौन चलाएगा? विवादिक के कार्य कौन करेगा? वो गृहस्थ भूमिका के अलग है उनकी। ये मुंडाज थोड़े के विवाह कराएंगे, ब्रह्मचारी थोड़े कराएंगे विवाह, ग्रस्ताचार कराएंगे। अब आप अपनी बुद्धि जबरन लगा तो लगा दियो, प्रेरणा कौन करेगा? प्रेरणा कर। अब कार्य कौन करेगा? देख, एक ऑटोमेटिक व्यवस्था बनी है। ऑटोमेटिक माने स्वचालित, अकृत्रिम व्यवस्था है। इस अकृत्रिम व्यवस्था को भंग करने का दुस्साहस करने वाले जीव पापी हैं। अरे ये तो बहुत बाद की बात कही है हमने, पहले कहो क्या कहना चाह रहे। इस अकृत्रिम व्यवस्था के विरुद्ध सोचने वाले भी पापी हैं। इसके विरुद्ध को सोचा ही नहीं जा सकता। समय पर गवर्नमेंट रिटायर करेगी, रिटायर नहीं करेगी नए कहां से भरे जाएंगे? और उसका आज तनखा तो भी देगी क्यों? उनका काम अब आधा रह गया, जिम्मेदारियां हट गई, अब खत्म हो गई पूरी। इधर तुम्हारा शरीर शीतल होगा, इधर लड़के का शरीर तैयार हो जाएगा आपके सहयोग के लिए। मैंने इधर शीतलता हुई, इधर तैयार हो गए।
आप तो अपनी चैतन्य पर नजर रखो, आगम का अभ्यास करो, आगम के अनुसार अपना सोचो विचारो। इस वस्तु व्यवस्था के विपरीत मानने वाला महापापी है, मिथ्यापी है, सोचने वाला भी पापी है, करने वाला तो है ही। अपनी हम अकेले रह लेंगे बिल्कुल नहीं रह पाओगे। जो बोझना हुई सोई मम्मी याद आएंगी फिर तुम्हें, पापा याद आएंगे, साधन में होंगे तो कोई याद नहीं आएगा। परमेश्वरी भगवान हृदय में होंगे तो कोई याद नहीं आएगा। शुद्धात्मा की आराधना में ऐसा आनंद होगा, इतनी निश्चिंता होगी, इतना बल प्रकट होगा, किसी की याद है। दुख सबकी याद दुलाता है, सुख सबकी याद बुलाता है, सब भूल जाओगे। आत्म सुख के आगे कल्पना नहीं कर पाओगे कभी। अगर ऐसा होता तो कल्पना नहीं कर पाओगे पूरी, लेकिन अगर कल्पना करते हो तो हम कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं। ऐसा होता कैसे? पहले तो क्रमबद्ध का तुमने उल्लंघन कर दिया, चलो। और होता भी तो हम क्या, होता तो हम हमारे उदय से ज्यादा कर पाता क्या? आयु तो देता नहीं, कर्म तो देता नहीं, कर्म तो हरता नहीं, आयु तो हरता नहीं, होता तो क्या कर लेता। अकेले व्यक्ति ही परेशान होते हैं, परिवार वाले नहीं। अगर चंदन वाला और अनंतमती के दृष्टांत हैं तो अंजना और सीता के भी दृष्टांत हैं। और हमने आपको दृष्टांत कर दिया था, मैना सुंदरी का कैसे विवाह किया था, हमें इसका भाग्य देखना। तू अपने को तो देख ले, भाग्य तब देख पाए अपने, हमें भाग्य देखना इस लड़की का। अरे लड़की का भाग्य अहंकारी कुछ भी नहीं देख सकता, अहंकारी अंधा है। अहंकारी अंधा होता है जिसे कर्तृत्व बोली, हम मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मैं बड़ा कर रहा हूँ, मैं पाल पोस रहा हूँ, और ये भाग्य भाग्य चिल्लाती है। इसका भाग्य देखना, देखो भाग्य का देखोगे। श्रीपाल का कुष्ठ भी मिट गया और पटरानी भी बन गई। और सीता का विवाह कैसे किया था, कहाँ देख देख सोच करके, और के आपत्ति विपत्ति कहाँ कहाँ आई। अंजना को कैसे सोचा था, कैसे विवाह किया था, वो कहाँ कर्म अकेले करता है, अकेले ही भोगता है। निर्जरा करने की शक्ति अकेले की है, ध्यान रखना। निर्जरा भी कर सकते, भोगना कोई जरूरी नहीं है, मजबूरी नहीं हमारी। अज्ञान में किए गए कर्म अज्ञान में ही भोगे जाएंगे। ज्ञान हो गया निर्जरा करोगे कौन भोगेगा, काय को भोगेगा? अंजन चोर को क्या भोगने पड़े, चला गया निरंजन हो गया। हे कर्म रूपी विश्व को समस्त फलो, मेरे बिना भोगे ही खिर जा। हमें नहीं जरूरत, तो हम इनको दे दें, दे दो, हमें नहीं जरूरत। पिताजी ने बेटे से कहा, बेटा हमारा भाव ये है, ये संपदा जिन मंदिर में लगा दें, अरे लगा दो पिताजी, हमें नहीं गए, हमें जरूरत नहीं है, हमें आपने संस्कारित कर दिया, तो हमारा भाग्य हमारे साथ है, और हम अनुमोदना का पुण्य मानेंगे कि विराधना का पाप मानेंगे, आप तो करो खूब। पुण्य का पुण्य नहीं जल, पुण्य जलाने का मतलब क्रम क्रम से जलाने की बात सोचो। पहले पुण्य में उपाधेय पना छोड़ना है, निर्णय करो। पुण्य की विभूति भी छोड़ने लायक है, छोड़ी है इन्होंने, जोड़ी नहीं है। इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीरण तृणवत त्यागी, इकट्ठी नहीं। धन्य समझ सुबुद्ध जगोत्तम, धन्य धीरज धारी, ऐसी संपत्ति पाई जिनने, ऐसा नहीं लिखा, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन। अरे दान भोग नाश, दान भोग नाश करो। तुम धरे धरे बर्बाद करोगे, सामने वाला परेशान वैसे ही होगा।
तुम्हें कब मिली हो? तुम्हें कब मिल जाएगा? तुम्हें अपने परिणाम का फल मिलेगा। उन कमरा बनवाया, एक चाबी आप ले जा। हमने की भैया चाबी हम ले जा, हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मतलब हम आकर के खोलें, झाड़ें, बुआरें, तब बैठें कब है? क्या समझ रहे? हम क्यों ले जाएं चाबी? हमारा है क्या यहाँ? संस्था की संपत्ति संपत्ति संभाले अपनी, हमें क्या लेना दे? हम क्यों चाबी ले जाएं? हमें तो इतनी सूचना देनी है, आ रहे बस खत्म मामला। अब तुम अपने झाड़ो, बुहारो, देखो, भारो और रखे तैयार, खोल करके करो, मिलो सामने, तुम चाबी ले जा। खुशी नहीं होती, ये खबरल डरी थी। आज यहाँ बैठे स्वाध्याय हो रहा है, खुशी नहीं हो रही? आज जहाँ होंगे वह खुशी होंगे नहीं होंगे कि दुख रहे हो बताओ? जा रहे लग जाए क्या नहीं, वो हम आओ चले आगे बैठे, कुछ नहीं मतलब मिलने, हमारे डर रहेंगे क्या करोगे? कछु करें तुम्हें का मतलब? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सोचो समझो विचार करो। कार्तिकेय अनुपरीक्षा में लिखा, जो धन को जमीन में रखता है वो बड़ा मूर्ख है। क्यों? कि जमीन में से तो धन निकलता है, सोना जमीन में से निकलो, अब जो जाना निकलता ही मोट डाल, कुआ में एक बाल्टी पानी डाल बस कवर हो। अरे किसी प्यासे को पिला। अन्य जगह वो दृष्टांत आया, एक वो कमर लेके जल लेने जाते चढ़ाने के लिए महादेव को, बेचारा चढ़ाने के लिए पानी ला रहे थे वहां से, एक गधा बेचारा गधा प्यासा तड़प रहा था, उन्हें उठाया पानी पिला दो, चढ़ो महादेव। अरे प्यासे की प्यास बुझने हैं, इस धर्म को हर आदमी नहीं समझ पाएगा, अहंकारी तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, रूढ़वादी बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। अहंकारी और रूढ़वादी बिल्कुल समझ नहीं सकता जो भी कोई धर्म हो, वह हमन चढ़ावे के ले जा रहे, वो भामा शाह ने मंदिर बनाए के लिए संपत्ति राणा प्रताप को दे दी। पाप करो है, पाप है ना, है काई? मंदिर को बनाए के लिए पैसा रखो और अपनी खुद की कमाई, अंगन कमाई है हमने, अंगन, अरे अंगन तुम्हारा नहीं है, अंगन कमाई है, अंगन कमाई नहीं है, पुण्य के उदय से आई है। भामाशाह जी तो तुम्हारी संपत्ति व्यक्तिगत है और मंदिर बनाने के लिए रखी है आपने। अरे जब राष्ट्र मंदिर नहीं होगा तो देव मंदिर कहां आएंगे? टूटेंगे, तोड़फोड़ मचेगी, स्त्रियां चिल्लाएंगी, बच्चे चिल्लाएंगे, तब जो संपदा का बचेगी? बचाने से नहीं बचेगी, अच्छे कार्य में लगाने से अच्छा हो जाएगा। राष्ट्र बच गया तो मंदिर बच गए, मंदिर बच गए तो धर्म बच गया। थोड़ा सा सोच जगाओ। अहंकार से दान करने से शांति नहीं मिलेगी कि 50,000 बांध रहे, 25,000 बांध रहे, तुम्हारे कहा मिलेगा जो बताओ? कहा मिलो, कहा भाओ, सोचो। अरे धर्म ध्यान में अपना चित्त लगाओ, है तो सदुपयोग करो, नहीं है तो कोई चिंता मत करो बिल्कुल कि हमारे पास नहीं है। अरे तुम्हारे पास ही नहीं है, किसी के पास नहीं है,
सब नंगे हैं, अकेले जन्मे हैं, अकेले मरण होगा, ये तो स्थूल बात है कि नहीं। और एकत्र आत्मा अकेला है, सब इस प्रभावों से शून्य है कि नहीं है। फिर हम पे नहीं है, हम पे नहीं है, तुम पे नहीं है, तो क्या है? लौकिक में कह दे जाको कोई नहीं ताको भगवान हो, माने जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, इसका अर्थ क्या जानते हो? अरे कोई जब हमारा नहीं है तो हमारा चित्त भी किधर नहीं भटकता, भगवान की ओर लगता है, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। और भगवान की भक्ति उसकी सहायक होती है, उसकी सेवा कौन करेगा? जितने भगवान के भक्त हैं बेशक उसके सेवक हो जाते हैं, देव सेवक हो जाते हैं, होते कि नहीं होते बताओ? हमारा कोई नहीं, अरे किसी का कोई नहीं है, किसी का कोई नहीं है, परमेश्वर मात्र भी नहीं है। जे कहें भैया पानी पिवा दे, कहे घर पानी नहीं है। जे कहें घर पानी पिवा दे, क्या घर पानी नहीं है, पानी क्या मांग रहे? और वो सुबह कहे वहां क्यों मांग रहे थे, घर नहीं कह सकते तुम? अरे इन पर दो ओर से डांट पड़ेगी, हम कहें घर नहीं है, घर वाले कहें क्या घर नहीं कह सकते तुम? और अगर ये घर नहीं होगा तो, जिनका घर नहीं है उनके लिए कितने भोजन कराने वाले होते हैं, अत्र 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 अत्र, ऐसे इतनी भक्ति से इतनी विशुद्धि से किसी घर वाले को भोजन मिलता हो तो बता दो, हंसो नहीं, समझो इस बात को। हाँ घर है, अपनो एक कमरा बना लो तो तारों को लगा, झाड़ू को लगा, बाकी रिपेयरिंग को करा, बिल को भरे, बताओ? उपाधि परिग्रह परिग्रह चिंता दुख ही मानो, सुख की कल्पना मिथ्या है, सुख की कल्पना मिथ्या है। पुण्य को जनाने का मतलब ये, वो पुण्य भद्र न पुण्यम भद्रम, आया पीछे इस श्लोक में क्या? पुण्य के उदय से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, उससे बुद्धि बिगड़ जाती है, उससे पाप होते हैं, जीव नरकादि दुर्गति में जाता है। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा पुण्य चाहिए है भगवान, हमारा चित्त आपकी भक्ति में लगा रहा है, हमारा चित्त जिनवाणी में लगा रहा है, हमारा चित्त भेद ज्ञान में, हम सदैव भेद ज्ञान में सावधान है, हमारा चित्त अपने में लगा रहे, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा कमरा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि जिस कमरे में रह रहे हो उसमें अपना तुना आ जाए। परवस्त में मूर्छित नहीं उसकी रहे मुझको, और नौबत आया कोई आया, अरे भैया आया हमारे कमरे में आया तुम तो, पर पहले ऐसे ही होता था, इतनी धर्मशालाएं नहीं थी, अब तो जमाना बदल गया, जितने कमरा उतनी लैट्रिन है, जितने कमरा उतनी लैट्रिन है। विचार करो, कमरे यात्रा को जाते थे, मेला में जाते, कमी बढ़ती जगह, अरे भैया तुम यहीं आ जा, झूला यहां कर दियो, धर्मशाला में बाहर अलमारियां बना दी थी, बरामदा में काहे अलमारी में सामान डाल लो और नहीं छोड़ी, अकेले ओखा करने पड़ो और छोड़ आ दी, और नल पे वही कुआ पे नल पे नहा लिया, क्या कहू से कह दी भैया जन एक बाल्टी पानी हमें दे दिए, दे दो कह नहीं, अब हाल दे रहे एक बाल्टी, मैंने कुछ नहीं ले रहे तो भी था बाचल और प्रेम था, आज कह गया एक शास्त्र से कितने लोग स्वाध्याय करते थे, अब एक आदमी को शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए तीन शास्त्र चाहिए, जहां बैठो वहीं शास्त्र चाहिए, जहां बैठो वहीं, एक जलमारी में डरो एक बांगर मारी, और अपने अधिकार हमारा हमारा हमारा, तो अभिनय बढ़ गई कि विनय बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया कि अज्ञान बढ़ गया, बताओ? अरे भाई साधन बढ़ने से सामग्री बढ़ने से सुख नहीं बढ़ता, त्याग से सुख होता है,
परिग्रह का त्याग सुख में निमित्त है, एक पुण्य को जनाने का मतलब ये समझ में आया ना। अगर थोड़े हमारे पुण्य भाव हो गए तो कछु ये नहीं है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, वेद ज्ञान नहीं है तो क्या मतलब है। अभिमान से देना और दीनता से लेना महापाप है। लेने में दीनता नहीं और देने में अभिमान नहीं, साधर्मी साधर्मी का उपकार करती है। तुम भी मुख्य मार्ग में लगाओ, हम भी मुख्य मार्ग में, जिसकी जैसी भूमिका है वैसे दे। इस उपकार के भीतर निष्प्रय भाव है, इस उपकार के भीतर कोई कामनाएं नहीं है। एक कमरा बनवाएंगे, कब वक्त हम आएंगे तो ठहर तो जाएंगे। अरे नहीं, इसमें कौन ठहरेगा, हम कहाँ ठहरेंगे, तो कुछ हमने तो ऐसा देखा, अब क्या कहें। कमरा उसने सेठ जी बना दिया, अब हर आदमी तो बनाएगा ना, बना दिया और भीड़ ज्यादा थी, सुनने नजर ने दूसरे को दे दिया, भाई ठहर गया उसमें। सेठ जी आए वो ऐसे, अच्छा फिर कोई बात नहीं, अरे आओ सेठ जी, आप खाली करा दे। नहीं नहीं, हम चाहे तो ठहर जाए, ऑफिस में ठहरी, मालिक सीट कहाँ होती बस में, मालिक सीट होती कहाँ है, हमारे कमरे तुमने देख रहे हो, अगर तुम्हें हमारा ही कमरा दिखाई दे रहा हो। मैंने बनवा देने के बाद, सौंपने के बाद भी अभी तुम्हें हमारा ही कमरा दिखाई दे रहा है, ये आंखें फूटी अंधे हो तुम भाई, तुम्हें हमारा दिखाई देता है, हमारा कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना, क्या पुण्य तब तक नहीं छूटेगा जब तक उसमें सुख बुद्धि नहीं छूटेगी, राग तब तक नहीं छूटेगा जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। विपरीत मान्यता, विपरीत मान्यता क्या, इसमें सुख है, ये हमारा है, हमने किया है, हमने मनवाया है, हमारा अधिकार है। अरे काय का अधिकार, ऐसे निकल के ऐसे चले गए छह खंड के वैभव में से, कौन हमें, हमारे पिताजी इंदा तो छह खंड का राज, हमने खुद ऐसे चले गए अपना साम्राज्य प्राप्त करने के लिए। एक क्षण भी ऐसा नहीं जिस समय प्रतीति ये ना होती हो परमाणु मात्र मेरा नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि है। अब बढ़िया होगा या संगमरमर लग गो, अब बढ़िया होगा स्टील चाहे नकली स्टील ही क्यों हो, तीन दिन बाद काई खा रही है, अब बढ़िया है, हैं? जरा सा हालात हो दो बुलटों पर लगी, अब ये बढ़िया है। अरे बढ़िया सोचो, बढ़िया तो भेद ज्ञान है, बढ़िया तो वैराग्य है, ज्ञान वैराग्य ही अनुमोदना करने योग्य है, दूसरे किसी चीज की अनुमोदना मत करना। परिग्रह पाप है तो परिग्रह की चाह पाप है, हैं? और परिग्रह की अनुमोदना भी पाप है। विचार करो भाई, विचार करो, इतना बहुत है। इन भगवंतों को देख करके रोज जैसी बात विचार करो, स्तुति एक कम पढ़ लियो तो कोई बात नहीं, पाठ ने कम कर लियो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये विचार जरूर करो, ये परिग्रह में सुख नहीं है। अगर सुख होता आप काय को छोड़ते। इतो बड़ो जीवन कैसे कटेगो जे सोचते। अरे सुनो कैसे कटेगा हम बताएं आपको, अगर वेद ज्ञान होगा धर्म ज्ञान होगा तो आनंद से कटेगा, और मोह होगा तो रो रो कटेगा, गम का बात है। पैसा हो, परिवार हो, परिग्रह हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर वेद ज्ञान होगा तुम्हारे भीतर, विवेक होगा तुम्हें, अंतर में वैराग्य होगा तो आनंद से कटेगा तुम्हारा जीवन, और मोह होगा तो याद कर करके रोइयो मरियो, कटेगा तो तब कटना तो है ही, जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य कटे। फिर कैसे नाम चलेगो, को नाम लेगो, अरे माधी स्वामी को नाम तुम ले रहे हो और कह रहे को नाम लेगो, कुंभ कुंभ का नाम तुम ले रहे हो,
जिन परिग्रह वालों का नाम ले रहे, परिग्रह त्याग वालों का नाम ले रहे, कौन का नाम ले रहे बता? बोना सीखो, जो चाहिए सो देना सीखो, देना सीखो। अब हम क्या करें? हम तो हैं, क्या करें? करो, क्या बोलो, क्या करने, क्या करने? जी मत कहो भाग्य जो होगा वो, नहीं नहीं वो नहीं, हम तो हैं, बताओ क्या करने। इतना बासन रखना चाहिए, ये चलना नहीं होगा। और फिर भी उदय प्रमाण ही कर पाएंगे, दूध में थोड़ी मार पाएंगे। तो ना जलाए पुण्य पाप तब कैसे कटे संसार है। तू दुख का अभाव चाहता है कारण के अभाव के बिना, मोह छोड़े बिना दुख से छूटना चाहता है, राग छोड़े बिना दुख से छूटना चाहता है, द्वेष छोड़े बिना दुख से छूटना चाहता है, पुण्य छोड़े बिना दुख से छूटना चाहता है। तो साहब इस भूमिका में पुण्य का छूटे तो है नहीं, बिल्कुल सही है, इस भूमिका में पुण्य नहीं छूटता, लेकिन इस भूमिका में पुण्य में उपाधिपना छूटता है। जो छूटता है उसे तो छोड़े, ताकि बात बात करिए, हम नहीं जानते इस भूमिका में पुण्य नहीं छूटेगा, इस भूमिका में पुण्य बढ़ेगा अभी, इस भूमिका में पुण्य बढ़ेगा 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 आपका। और पुण्य बढ़ेगा तो आपकी ये सारी संपत्ति भी बढ़ेगी, पानी निकलेगा तो नीचे से स्रोत खुलेंगे तो बढ़ेगा उसमें पानी। जितना काम करोगे काम करने की शक्ति बढ़ेगी, ताकत की दवाई व्यायाम भी है, माने काम खुद करो। अगर वो लंगन होते लेटा रहता है, अब उठने की ताकत नहीं रहती, चलने की ताकत नहीं रहती, अब उसे कहते भैया धीरे धीरे उठो, अब चलो, तब वो ताकत आएगी। और अगर चलेगा नहीं, खाओ 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 तो ताकत नहीं आएगी। भाई वो तो एक इलाज के समय का था, एक व्यवस्था थी, बाद की अब तुम कहो वही व्यवस्था चलती रहे तो कैसे चलेगी, अब ताकत कैसे आएगी? काम करने से ताकत आएगी। ऐसी तत्व विचार करने से आपका ज्ञान खिलेगा, ज्ञान का अभ्यास करोगे, ज्ञान का विचार करोगे तो ज्ञान खिलेगा, और नहीं तो ज्ञान कुंठित हो जाएगा, सोच ही नहीं पाओगे। अब इन कंप्यूटरों के आगे ये दुष्फल आ रहे हैं, दो और दो चार नहीं जुड़ पा रहे, वो कंप्यूटर नहीं है, वो भला नहीं, वो कंप्यूटर नहीं है, हाथ तो है पांव तो है कंप्यूटर नहीं है भाई, आटा नहीं बिजली नहीं है, अब बिजली नहीं है हाथ तो है बिजली नहीं है, मैंने उसने पराधीनता हो गई हमारी बाहर में, क्यों पर मैं सुख की कल्पना सीखा और किसी ने पराधीन नहीं किया, इंद्री सुख की वासना ही हमको पराधीन कराने वाली है। मैं वो फिट कर नौकर नहीं है, कोई नौकर नहीं, आदमी नहीं है, अरे तुमको तुमको स्वावलंबी बनो, स्वाधीन बनो, परावलंबन और पराश्रित भाव दुख के कारण है, परोन्मुख परिणाम उपयोग वह दुख का कारण है। परिणाम तो होगा, सिद्ध भगवान को भी हो रहा है, परोन्मुख परिणाम नहीं। विचार करो भाई, ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पा गए सुख चैन, या वाणी की ज्ञान के सूझे लो कालो, सो वाणी सचे सदा दे तुम भू।